जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब सबसे पहले मेरा बेटा सनी ही आया था। हेमा मालिनी, आज अभिनेता सनी देओल का बर्थडे है। अभिनेता सनी देओल, जिन्होंने बॉलीवुड की अनगिनत सफलतम फिल्मों में अपने दमदार अभिनय की छाप को छोड़ा है, आज भी सनी देओल बॉलीवुड की फिल्मों में खासा सक्रिय है। अभी कुछ समय पहले ही सनी देओल की फिल्म पोस्टर बॉय रिलीज हुई थी, जिसमें सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल भी हमें नजर आए थे। फिल्म में अभिनेता श्रेयस तलपड़े भी थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। अभिनेता सनी देओल, जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1956 को पंजाब के सहनेवाल में हुआ, आज सनी देओल 61 साल के हो चले हैं। बॉलीवुड के दमदार अभिनेता व माचोमैन सनी देओल का नाम उन गिने चुने अभिनेताओं में शुमार किया जाता है, जिन्होंने लगभग 3 दशक से अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिल में आज भी एक खास मुकाम बना रखा है। 19 अक्टूबर 1956 को जन्मे सनी देओल को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनके पिता धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण सनी देओल अक्सर अपने पिता के साथ शूटिंग देखने जाया करते थे। इस वजह से उनका भी रुझान फिल्मों की ओर हो गया। वे भी अभिनेता बनने के ख्वाब देखने लगे। सनी देओल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से पूरी की। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के मशहूर ओल्ड वेव थिएटर में अभिनय की शिक्षा पूरी की। सनी देओल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत अपने पिता द्वारा निर्मित फिल्म बेताब से की। वैसे भी अभी हाल ही में सनी देओल की माँ हेमा मालिनी के जीवन पर लिखी गई किताब बियॉन्ड द ड्रीम्स भी लॉन्च हो गई। इस किताब को पत्रकार राम कमल जीवन ने लिखा है। किताब का विमोचन दीपिका पादुकोण ने किया। आपको बता दें कि इस किताब का पहला पेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। ये मौका कई मायनों में खास था। दरअसल हेमा मालिनी दीपिका ने इस मौके पर खुलकर अपने दिल की कई बातें शेयर की। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा ने सौतेले बेटों सनी बॉबी देओल के बारे में भी बात की। हेमा ने कहा, मेरे रिश्ते सनी बॉबी के साथ काफी अच्छे हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब सनी पहले शख्स थे जो मुझे देखने आए थे। इतना ही नहीं, हेमा के मुताबिक सनी ने हेमा का काफी ख्याल भी रखा था।